कुरुक्षेत्र के पिहोवा उपमंडल में गत 30 मार्च व्यापारी पर हुए गोलीकांड में पुलिस को उस समय एक बार फिर से सफलता मिली जब अंतर्राज्यीय लूट गिरोह का दूसरा कुख्यात अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जिससे एक अवैध पिस्टल एवं 7 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि गत 30 मार्च सुबह सुपरमार्केट पिहोवा में मनी ट्रांसफर की दुकान पर लूट के इरादे से आए 4 अपराधी घुसे, जिन्होंने व्यापारी वजीर सिंह पर गोली दाग दी जो कि गर्दन में लगी। इस मामले में तत्काल एक अपराधी कुलदीप सिंह को पहले ही काबू किया जा चुका है और एक अन्य गुरजिंदर सिंह को काबू किया जो कि तिहाड़ जेल से पैरोल जम्पर हैं। दोनों आरोपियों के कब्जे से 32 बोर तथा 30 बोर के 2 अवैध हथियारों सहित 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। गुरजिंदर सिंह पंजाब के दिल्ली डकैती मामलों में संलिप्त था, जिसका अदालत के आदेश से रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरोह के 2 अन्य लुटेरों को भी जल्द ही काबू। पिहोवा में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था जहां पे एक व्यापारी को जो फायर करके दौड़ गए थे 4 अपराधी लोग थे, उसमें पुलिस ने क्विक एक्शन लेते हुए विद इन 2-3 आवर्स जो एक मारने वाला था गोली उसको राउंड अप कर लिया था और उसके क्लूज पे चलते हुए हमें महत्वपूर्ण सफलता मिली है और जो सेकंड बंदा है उसको पकड़ा गया है। उनका जो पहले राउंड अप हुआ था उनका नाम है गुरदीप सिंह और जो दूसरा अपराधी है उनका नाम है गुरजिंदर सिंह उर्फ बाबा, पुत्र श्री बुट्टा सिंह, वासी है ये भौर सेदा, थाना सदर पेवा, जिला कुरुक्षेत्र। और इनके जो है ये गुरजिंदर सिंह, इसके बारे में 2 पहले भी डकैती के मुकदमे और ये तिहाड़ जेल से पैरोल जम्पर है ये, तो ये एक हमें सफलता मिली है और इनसे बरामदगी भी है। पहले वाले से एक जो मौके से रिकवरी थी वो 32 बोर की थी और गुरजिंदर सिंह से हमें एक 30 बोर की वेपन और 7 लाइव राउंड्स मिले हैं और जो इस वारदात के दौरान व्हीकल यूज़ हुआ था उसकी नंबर प्लेट से बदलते थे, ये मॉडलिटी थी इनकी, ये तरीका था, तो वो नंबर प्लेट भी रिकवर हुई है और पुलिस को कुछ और क्लूज़ भी मिले हैं जो बाकी 2 हैं और बहुत जल्द हम उन तक भी पहुँचेंगे। तो इसके जो मोटिव इन्होंने बताया क्राइम का, वो लूट की नीयत से फायरिंग करते हुए इन्होंने वो किया। नहीं, वो 2 लोग इसमें पेंडिंग है, नंबर प्लेट बरामद हो गई है क्योंकि यही इनका तरीका था कि ये नंबर प्लेट बदलते थे, वारदात करते थे फिर बदल देते थे, तो नंबर प्लेट बदलती है और हमें बहुत जल्दी सफलता मिलेगी, मुझे ऐसी आशा है। हमारी टीम्स मेहनत कर रही हैं, बाकी 2 का भी रिकॉर्ड कुछ आ गया, परंतु मुझे बहुत गर्व है इस चीज़ पे कि इसमें पूरी जो जिला पुलिस थी उसमें मिलके मैं, DSP साहब, CIA 2 की टीम, और CIA 2 की टीम ने तो बहुत ज़्यादा खतरा मोल लिया, आप खुद ही लगा लीजिए कि अगर 7 राउंड मिले हैं तो टीम पे भी फायरिंग हो सकती थी और इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए की है। इनको रिटर्न में अप्रिसिएशन आज कन्वे कर दी गई है पूरी टीम को और मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई CIA टीम को। मैं चाहती हूँ कि भविष्य में भी इसी निर्भीकता से करें और ये इंटर स्टेट क्रिमिनल है, जो दूसरे 2 मुकदमे हैं वो पंजाब का है।